हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नक्ष और आप देख रहे हैं ड्रग इन्फो इंडिया। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज के वीडियो में मेरे पास हैं दो हेयर ऑयल। ये दोनों एंटी हेयर फॉल हेयर ऑयल हैं और इन दोनों हेयर ऑयल को हम आज इस वीडियो में कंपेयर करेंगे। तो पहला जो मेरे पास ऑयल है वो है केश किंग आयुर्वेदिक ऑयल और दूसरा जो मेरे पास ऑयल है वो है सेसा। ये दोनों ही हेयर ऑयल मार्केट में काफी ज्यादा चलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इनका कंपैरिजन। पहले बात करते हैं केश किंग आयुर्वेदिक ऑयल की। ये जो केश किंग आयुर्वेदिक ऑयल की बोतल है ये 60 ml का बोतल है जिसका प्राइस होता है 80 रुपये। ये मैं इसका बोतल आपको दिखा देता हूँ। ये इसका छोटा बोतल है और इसके साथ आता है ये एक कॉम्ब आता है जिसको इस पर लगाकर जिससे ऑयल जो है वो आपके बालों की जड़ों तक चला जाए। दूसरा जो ऑयल है ये है सेसा ऑयल और ये जो बोतल है ये 100 ml का बोतल है और जिसका प्राइस है यहाँ पर नीचे दिया हुआ है 140 रुपये। यानी कि प्राइस के मामले में दोनों ऑयल जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। 80 रुपये का 60 ml और 100 ml है 140 रुपये का, तो बिल्कुल सेम सा ही पड़ा। चलिए मैं आपको इसका बोतल दिखाता हूँ। ये इसका बोतल आता है। अब बात करते हैं इन दोनों ऑयल के बेस ऑयल की, यानी कि ये किस ऑयल में बने हैं। तो केश किंग ऑयल जो होता है ये तिल के तेल में बना होता है, यानी इसके इंग्रेडिएंट जो है वो तिल के तेल में मिलाए जाते हैं और तब ये तैयार किया जाता है। और ये जो सेसा ऑयल है ये कोकोनट ऑयल में बना होता है, यानी कि सेसा ऑयल का बेस जो है वो कोकोनट ऑयल है। इसके इंग्रेडिएंट कोकोनट ऑयल में मिलाकर ये ऑयल तैयार किया जाता है। कोकोनट ऑयल में बना होने की वजह से ये ऑयल विंटर्स में जम जाता है। जैसे कि अभी विंटर्स चल रही है, ये ऑयल बिल्कुल जम गया है। ये इसका बोतल भी बिल्कुल नहीं दब रहा है इसके ऑयल के जमने की वजह से। अब बात करते हैं इन दोनों ऑयल में कौन सा ऑयल ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आप ऑयल हेयर फॉल के लिए लगा रहे हैं तो केश किंग ऑयल मेरे हिसाब से हेयर फॉल में ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आपके लिए सेसा ऑयल केश किंग से बेटर रहेगा। अगर आप सर्दियों के मौसम में ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए केश किंग ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये जमता नहीं है। ये जम जाता है, आप इसको जब भी निकालेंगे आपको हीट करना पड़ेगा और बालों में लगाने के बाद भी ये ऑयल जम जाता है जिससे बाल चिपचिपे हो जाते हैं। इन दोनों ही ऑयल को लगाने से तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है, डैंड्रफ धीरे धीरे कम होने लगता है। सेसा से डैंड्रफ ज़्यादा जल्दी कम होता है क्योंकि इसमें लेमन ऑयल भी होता है। नए बाल उगाने की बात करें तो केश किंग ऑयल क्लेम करता है कि इससे नए बाल उगते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी ऑयल से नए बाल आते हैं। केश किंग ऑयल ये भी क्लेम करता है कि इससे बाल ग्रे होने से ये रोकता है बालों को। अगर किसी के सर में डैंड्रफ की वजह से खुजली रहती है या फंगल इन्फेक्शन है, सेसा ऑयल उसमें काफ़ी अच्छा काम करता है। सेसा ऑयल के लगाने से सर की खुजली कम हो जाती है, डैंड्रफ भी काफ़ी कम हो जाता है। ओवरऑल ये दोनों ही हेयर ऑयल काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मैं इनको कंपेयर करूँ तो मैं इसमें कुछ पॉइंट्स केश किंग को ज़्यादा दूंगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि ये विंटर सीजन में जमता नहीं है, ये जम जाता है। और दूसरा, इसके साथ कॉम्ब आता है जिससे आप ऑयल को अपनी जड़ों तक आसानी से पहुँचा सकते हैं, और हेयर फॉल में भी ये सेसा से थोड़ा अच्छा काम करता है। ये ऑयल इजी टू यूज़ है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सेसा ऑयल जो है आप इसको विंटर्स में अगर कहीं अपने साथ लेके जाएंगे तो इसको पहले हीट करना होता है, तो आप इसको आसानी से नहीं लगा सकते। तो ये था मेरा कंपैरिजन सेसा ऑयल और केश किंग आयुर्वेदिक ऑयल का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ड्रग इन्फो इंडिया। मैं ऐसे ही प्रोडक्ट्स के वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।